नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार इनके मुद्दे पर कोई भी जवाब देने से अक्सर कर बचती रहती है। हाल ही में सरकार द्वारा कुछ चयनित शिक्षकों की नियुक्ति सूची जारी हुई, उसमें ओबीसी शिक्षकों का नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद ओबीसी चयनित अभ्यर्थी राजधानी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के सामने प्रदर्शन करने लगे। उनके प्रदर्शन को कांग्रेस का भरपूर सहयोग मिला। कांग्रेस के दिग्गज नेता इनके प्रदर्शन स्थल पर आते रहे और देर रात तक बैठते भी रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इस वक्त चयनित अभ्यर्थी अब भी राजधानी भोपाल में हड़ताल कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों ने भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने महिला चयनित शिक्षक और पुरुष चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे समय से देखा जा रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति अटकी हुई है। इस नियुक्ति को लेकर ही राजधानी में कई बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। शिक्षकों ने कहा है कि अगर उनकी नियुक्ति नहीं होती है तो 12 तारीख को वह बड़ी रैली निकालेंगे। आगे देखना होगा कि सरकार का चयनित शिक्षकों के मुद्दे पर क्या रुख और रवैया रहता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए द लोक।